कि 5 मार्च की तैयारी में राहु और केतु के साथ नए शनि, और डालकर मैंने खोज कर दी। तो मैं प्रोफेसर हूं, मैं सोशल जस्टिस की वजह से मैं प्रोफेसर हूं, और हमारे जैसे बहुत सारे प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी में और देश में तमाम जगहों पर। तो मैंने पोस्ट लिखा, उसमें एक वाजपेयी साहब का कमेंट आया कि चव्हाण सर को जय भी, वाजपेयी साहब का कमेंट। तो जनरली लोग थोड़ा सा अचंभित हो जाते हैं, या बहुत सारे लोग हमारे थोड़ा सा दम के थोड़ा खिचूर के रहते हैं। तो साहब को पता नहीं लगा होगा कि मैंने उसका क्या जवाब में लिखूंगा। तो मैंने लिखा, बावन बबुआ खुश रहा, बावन बबुआ खुश रहा, दिस इज सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। अब तक तो आशीर्वाद सिर्फ पंडित जी ही देते थे, चाहे वो 7 साल के हो और आप 60 साल के हो, तो पंडित जी प्रणाम, तो आशीर्वाद ही देते। तो मेरी बात से मैंने काफी इंतजार किया, अभी भी इंतजार ही कर रहा था कि वाजपेयी साहब आते हैं कि नहीं आते, थोड़ा सा और उनको आशीर्वाद में ठीक से दूं, लेकिन शायद अब तक वो नहीं है। तो ये बात समझने की है कि अल्टीमेटली पूरी दुनिया में एक ब्लैक मूवमेंट रहा, और ब्लैक को बहुत हेट्रेड घृणा की भाषा से देखी जा देखा जाता रहा पूरा, लेकिन कैसे उस शब्द को वो वेपन बनाया गया एम्पावरमेंट का। ब्लैक मतलब घृणा का प्रतीक, लेकिन ब्लैक का जब मूवमेंट चला, आंदोलन चला, तो क्या स्लोगन आया, ब्लैक इज ब्यूटीफुल। तो ब्लैक जो है वो पंच पावर पंच बना। तो उसी तरीके से आप लोग जब आशीर्वाद देने लगेंगे वाजपेयी साहब को, तो ये होगा सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, ये समझना। साथियों बहुत ज्यादा बात नहीं कहेंगे, लेकिन मेरे पास 40 मिनट है, काफी कुछ बात कही जा सकती है। आप कत्ल भी करते हैं तो हंगामा नहीं होता, आप कत्ल भी करते हैं तो हंगामा नहीं होता, और हम आग भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। कि जब हम कह रहे हैं कि रोस्टर सिस्टम, जब हम कह रहे हैं सामाजिक न्याय, जब हम कह रहे हैं कि आदिवासी के जल जंगल जमीन, जब हम अस्मिता की बात कर रहे हैं, जब हिंसा के खिलाफ जब हम बोल रहे हैं, जब बलात्कार हो रहे हैं उसके खिलाफ जब हम बोल रहे हैं, तो आप हमें क्या दिखा रहे हैं, बॉर्डर पर तनाव है, बॉर्डर पर तनाव है, जोर जोर से देशभक्ति के नारे लगा रहे हैं। चलिए हम मानते हैं बॉर्डर पर तनाव है, क्या पता करो चुनाव है, बॉर्डर पर तनाव है, क्या पता करो चुनाव है। गरीबों की थाली में पुलाव आया है, पता करो चुनाव आया है। तो इस बार जो है गरीब की थाली जो है बहुजन की गरीबों की थाली छीन ली गई, और जो है पुलाव जो है जनों थाली में परोस दी, 10% जनों आरक्षण में कहता हूं, जनों आरक्षण उसमें परोस दी। और विडंबना देखिए, बाबा साहब अकेले लड़के SC ST OBC महिला तमाम भारत के तमाम जनता सब कहिएगा, SC ST OBC नहीं, वोट देने का अधिकार सबसे बड़ा क्रांति है भारत के इतिहास में, आरक्षण नहीं, वोट देने का अधिकार तो सबको मिला। तो बाबा साहब अकेले इतना सब कुछ दे रहे, और इतने सारे बड़े बड़े नेता होकर हमारे सब कुछ लूटे जा रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, यही है इस युग की त्रासदी। कि 13 पॉइंट रोस्टर घटना का ही संकेत है कि आप कहां जाने वाले हैं, उसमें बाद में आऊंगा। साथियों कि
13 पॉइंट से पहले आप बात समझने की कोशिश, ये लड़ाई खाली सरकार का नहीं, ये संस्कार का। और कुछ मित्र के सुख के बाद पहली बार इनका शासन आया, बीच में खाली थोड़ा जो पहली की सरकारें थी थोड़ा ऑक्सफोर्ड के अमीर वाले थे, थोड़ा बचा बचा के फिटते थे, लेकिन वो तो ऑक्सफोर्ड के अमीर वाले थे, लेकिन ये तो मनुस्मृति वाले, तो इन्होंने हरी कर दी है और एक क्लास कंसियसनेस पार्टीज के बीच में है। लेकिन मुझे हैरत कब होती है कि मुझे अपनों ने लूटा है, बैरों ने कहा दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। अरे मैं वकील साहब से बात कर रहा था कि रोस्टर की लड़ाई में कोर्ट में कभी नहीं जाता, अमूमन जबकि हमसे ज्यादा मुकदमा लड़ने वाले लोग इस सभा में नहीं होंगे, अक्सर में मुकदमा भी है, लेकिन मैं अपने लिए कोर्ट में नहीं जाता। जब मेरे राजनीतिक शत्रु से मुझे लड़ना होता है तब मैं कोर्ट में जाता हूं। 98 तक आओ, 99 तक आओ, 98 में मैं मिलता हूं, सांप चिड़िया खेल करते हैं, 98 में सांप काटेंगे, तीन पिलाएंगे, फिर चढ़ू। तो मैं बार बार ये कहता रहा अपने साथियों से कि न्यायालय में ये मसला सॉल्व नहीं होना है, ये जुडिशियरी का मामला है ही नहीं, क्योंकि न्यायाधीश महोदय को वोट नहीं मांगा। सारी समस्याएं ये राजनीतिक मसला है। चुनाव का वक्त है, अंदर विरोधों में मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं सहमतियों पर राजनीति करने में विश्वास करता हूं। 51% बात हमारी आपकी मिल गई, मैं काम करेंगे, 49% नहीं मिलेगी तो हम बात करेंगे। समुदाय ने बड़ी बड़ी बातें कह दी, लूट लो, लोग तो हजार करोड़ लेके भाग जाओ, क्या क्या करो साहब करो, ये हो सकता है उनका नैरेटिव हो, लेकिन शायद हमारी जो परंपरा है वो वैचारिक परंपरा है, और बाबा साहब के पास तो पैसे भी नहीं थे, पैसे भी नहीं थे, उनके बच्चे सब जानते हैं, कई बच्चों का डेथ हुआ अभाव में, लेकिन वो के लड़के विचारों से लड़के ऐसे देख रहे हम सबको कि हमारे जो चेहरे पे थोड़े चमक रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वैचारिक युद्ध है और आपको अपने घर से विचारक बनाने पड़ेंगे। अभी उसमें आऊंगा थोड़ा सा, आप लोग भी थोड़ा सा हमला बोलूंगा तो अवसर साथ में एक साथ कई घटनाएं घटी है पिछले एक दो महीने, और जो 5 मार्च में जो पहले मैं बीच में भूल गया उसको मैं कंप्लीट कर दू। 5 मार्च की तैयारी में मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 5 मार्च को ही 13 पॉइंट जनेऊ रोस्टर आया था, 5 मार्च 2018 को, तो हम लोग 5 मार्च 2019 को इसकी बरसी मना रहे हैं कि आरक्षण की 13वीं कर दी इस मोदी सरकार ने, आरक्षण की 13वीं कर दी इस मोदी सरकार ने, और इस सरकार की 13वीं करेंगे 2019 के चुनाव में। मतलब 5 मार्च साफ पूरा हो रहा है, उस दिन क्या है पता है, उसने कौन भारत बंद का भी कौन, अरे कौन किसी व्यक्ति, किसी का कॉपीराइट नहीं है, किसी व्यक्ति का नहीं है, किसी एक संगठन का नहीं है, ये कौन तमाम एक्टिविस्ट तमाम सब आप सब का कौन है। तो सेमिनार में हम ये बात करेंगे, ये राजनीति चलेगी, लेकिन एकाध दिन तो सड़क पे ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि लोहिया कहा करते थे कि जब सड़कें सुनसान हो जाती है तो संसद आवारा हो जाता है, और अपने जो सड़कें सुनसान छोड़ दी है तो जो मन है वो अपना पार्लियामेंट में जनरल रोस्टर आ जा रहा है, 10% रिजर्वेशन आ जा रहा है, जो इनसे नहीं हो रहा है उस कोर्ट से आ जा रहा है, तो आपने सड़क पे अपनी ताकत ठीक से दिखाई। इसलिए 5 मार्च जो लोग ये छुट्टी ले, छुट्टी लीजिए, मास्क ले लीजिए, आइए सड़क, क्योंकि सड़क को करना, लड़ना, ये संघर्ष करना, ये अधिकार भी हमें संविधान देता है, ये कंडीशन में रहना बुरी बात नहीं,
मैं भी रहता हूँ, मैं तो लग्जरी गाड़ी में चलता हूँ, फाइव स्टार होटल में भी रहता हूँ, हवाई जहाज चला एयर कंडीशन में रहना और लग्जरी में रहना बुरी बात नहीं, खून के और विचारों के उबाल में ठंडा पड़ जाना बुरी बात, ये बात। तो इसलिए थोड़ा सा हौसला दिखाइए और सेफ कोजी जोन से थोड़ा बाहर निकल। इस आत्मिक रास्ते जो मैं कह रहा हूं कि एक साथ संविधान पे कई हमले, आतंकवादियों ने तो संसद भवन पे हमला किया था, लेकिन पहली बार संसद के अंदर सांसदों ने, आपके चुने हुए आपके ही सांसदों ने संविधान पर हमला किया है। और क्या है संविधान का, वो है 10% जनऊ आरक्षण। जनऊ समझ गए, जनऊ आरक्षण क्या है वो भी बताएंगे और जनऊ लीला भी बताएंगे क्या है लीला, क्योंकि उसी को रोस्टर बुला हुआ। क्या 10% आर्थिक आधार पे रिजर्वेशन का प्रपोजल पहले नहीं आया था क्या, क्यों चीज में लिया था चप्पल क्या से कांग्रेस ने ही उसको टर्न ऑफ पार्लियामेंट ने सवाल है, ये आमदनी बढ़ाओ योजना और गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम नहीं। आरक्षण को कहते हैं विशेष अवसर, और विशेष अवसर किसको, जो सामाजिक और आर्थिक रूप सामाजिक रूप से एससी एसटी, क्योंकि वो अनएजिबिलिटी का सवाल था, सोशल एक्सक्लूजन का सवाल था, उस आधार पर एससी एसटी को आरक्षण दिया गया। ओबीसी को दिया गया सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े का क्या था, क्या आर्थिक रूप से आरक्षण देने का प्रावधान है, जब नहीं है इसका मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन से छेड़छाड़ शुरू। अगर निर्धन ब्राह्मण गरीब है तो सामाजिक पिछड़ेपन के कारण नहीं, वो सोशल एक्सक्लूजन के कारण नहीं, वो सरकार की अर्थनीति के कारण है, अर्थनीति इकोनॉमिक्स के कारण है ना। तो अर्थव्यवस्था में बात कीजिए ना, फिर अडानी अंबानी में बात कीजिए, उसमें क्यों नहीं बात कर रहा हूं। देखिए विडंबना, हमारे सारे सांसद वो सब मेज थपथपा रहे थे, क्यों, क्योंकि आप अपने बच्चों को तो आंदोलनकारी बनाएंगे नहीं, सब बनाएंगे क्या, गुड बॉयज गुड गर्ल्स। मैं क्लास में जब पढ़ाता हूं अपने स्टूडेंट्स को पहले ही कहता हूं कि कोट एंड कोट आई हेट गुड बॉयज एंड गुड गर्ल्स। मुझे सवाल करने वाले लोग चाहिए, वो नहीं यस जी मम्मी पापा जी नो क्वेश्चन। तो आपने अपने बच्चों को बनाया गुड बॉय, पढ़ा लिखा के बेचारा वंदना वंदना करके मेहनत करके मैनेजमेंट कर गया, डॉक्टर बन गया, कलेक्टर बन गया, या खुश है, सेटल लाइफ, लाइफ सेट हो गई। लाइफ सेट होने का क्या मतलब है कि मर गया 25 साल नहीं खाली तब नया का वो 75 साल है, कि सेट तो रोड़ी बदली सीमेंट होता है, आदमी थोड़ी सेट मसाला सेट होता है, छत डालते हैं तो मसाला सेट। तो आपके जो प्रतिनिधि वहां जाते हैं विधानसभाओं में और पार्लियामेंट में, वो 4 साल तो पहले कनाट प्लेस का लाइफ देख रहे, उनका 4 साल गुजर जाता है। और योगा देखने में और बेचारा तभी सोचे था जूस पी पी के अपना कलर छोड़ने में, गोरा बनने में, इस बार जाने में उछला। तो 4 साल जब चला जाता है तो फिर जो इलेक्शन चुनाव आ जाता है, तो चुनाव वाला तो हुजूर टिकट नहीं कटना चाहिए, तो भीड़ भी नहीं घुटना टेक लोग
कल आपके जाएंगे संसद में। सवाल इसलिए कह रहा हूं कि टिकट देने से कोई नेता नहीं बनता, टिकट देने से एमएलए नहीं बन सकता है। लीडर तो सड़क में संघर्ष करके ही बनता है। तो जब भेजेंगे वहां पे तो देखेंगे साहब ने थपथपाया तो वो भी थपथपाने लगता है। वो कभी पढ़ने और समझने की कोशिश नहीं करता है किसी इशू पे जिसमें क्या बहस करना है। आला कमान हाई कमान ने कह दिया उठो तो उठ गया। तो हमें मेज थपथपाऊ नेता और उठक बैठक करने वाले नेता नहीं चाहिए, ये भी समझिए। तो नेता बनाना है अपने बेटे को। अंग्रेजी स्कूल में जितने के बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पे हाई फाई, जिनके दो दो फ्लैट हो गए हैं, तो ठीक कहा और मेरे दो बच्चे दोनों को मैंने कहा है कि पढ़ लिखे जाना है, वकालत पढ़ने इंग्लैंड जाना, नौकरी नहीं करना, नौकरी प्रोफेशनल बनाओ, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाओ, लॉयर बनाओ, हिस्टोरियन बनाओ, जर्नलिस्ट बनाओ, ये बनाओ। तो सब मिलजुल के आरक्षण खत्म हो गया, 50 सीट आईएएस बनने का, पीसीएस करने का, सारा हमारा एलीट समाज लगा हुआ उसी में घुसा हुआ है कि मुझे जो यही बनवाना है, बेटे को शायद कलेक्टर बनाना है। तब हमारा राइट बच्चा जब कलेक्टर बनेगा और मिनिस्टर बनेगा, जी हुजूर करने वाला, तो हमारा राइट बच्चा जाके उसका फाइल होता है, तो बच्चे को लिखकर देने से नहीं होगा, तो ये तो होना ही है। तो मेज सब थपाओ नेता ने सब मेज सब थपाए, और मैं बैठा हुआ था आज तक डिबेट। तो हमारे बड़े नेता रामविलास पासवान जी कहते थे कि लोगों की तबियत खराब है, समूह के जानकार है घर के पास भी। तो बहुत दिन संसद में देखा नहीं था भाषण करते, तो उस दिन देखा कि एकदम आगे कण बोल रहे, लंबा लंबा बोले जा रहे, और कह रहे हैं बार बार कि नौवीं अधिसूची में डालो, नाइन्थ शेड्यूल में डालो। नाइन्थ शेड्यूल में डालने का एक प्रोसेस है, ये नहीं है कि दाल में तड़का लगाना है कि दाल हो गया कड़छी में गर्म किए किया तड़का लगा दिया। मार्ग क्रेडिट कर रहे हैं कि मैंने ही सबसे पहले सवर्णों की आरक्षण की बात की, सब सवर्ण के पीछे लगा हुआ, सब सवर्ण के पीछे लगा बहुत पार्टी से। बहुजन मूल्य बैठे हमें नीले पीले काले बोले, इनका क्या होगा? तो कह रहे थे नाइन शेड्यूल में डाल दो। तो भाई कभी एससी एसटी ओबीसी के लिए भी बोलते तो नहीं बोले, क्यों? क्योंकि यह पूना बैठ से निकले हुए लीडर्स हैं, बाबा साहब हुए थे कि पूना बैठ के बाद जो लीडर निकलेंगे इसी तरह होंगे। तो आरक्षण हमने मांगा नहीं था, आरक्षण कंपनसेशन था। भाई जिसको जिसको वापस लेना ले जाओ, हमें नहीं चाहिए आरक्षण, नहीं चाहिए आरक्षण, आरक्षण हमें ले जाओ वापस, और जो हमारा सेपरेट इलेक्ट्रोड था वो मुझे वापस दे दो। हम अपना नेता अपने वोट से चुनेंगे, हमको जनऊ वोट की दरकार नहीं, ले जाओ अपना घर में, नहीं चाहिए तुम्हारा वोट, हम अपने वोट से अपना नेता चुनेंगे। तो ऐसी स्थिति आएगी तब जब हमारे पीठ में डंडे पड़ेंगे तो हुजूर आपकी बाह नहीं आपकी सरकार उखाड़ देंगे, तब आपको पता लगेगा कि वोट की ताकत होती क्या है और मेरिट होता क्या है। तो जब तक हम बात करते हैं तब तक हमको बताया जाता है कि बॉर्डर पे तनाव है, देशभक्ति देशभक्ति। तो अभी मैं किसी से बात कर रहा था, अरे गांव में बढ़िया कहावत कि चोर के बारे में पता लग गया, चोर भागा जा रहा था पीछे, गांव वाला जो है चोर चोर कहते उसको पीछे ले जा रहा है, तो चोर अगर कि अब हम नहीं बोलेंगे तो पकड़ा जाएगी, तो चोर भी चोर चोर कहते आगे भागा जा रहा है, इसका मतलब आगे वाला आदमी समझे कि चोर तो ही आगे। तो चोर सबसे ज्यादा चोर चोर से चोर चोर से भारत माता देशभक्ति सब चिल्लाए, समझना उसके दादाजी अंग्रेजों के मुखबिर के एजेंट थे। मुझे देशभक्ति का सर्टिफिकेट देने की जरूरत दिखाने कोई जरूरत नहीं है, जो हमसे मानता है पहले तो अपना दिखाओ हमारा, क्योंकि इस देश को हमने बनाया है, आपने थोड़ा ही बनाया, आपने तो मलाई खाया है। इस देश को इस देश के बहुजन ने बनाया है,
इसलिए मुल्क हमारा है, देश हमारा। तो हुजूर अगर सरहद पर तनाव है तो आप जिम कॉर्बेट में फोटो क्यों खिंचवा रहे थे? खिंचवा रहे थे ना। और सुल्तान प्रिय साहब थे, उनके साथ रसदार चिकन भी खा रहे थे, बोल देते कि भाई सरहद पर तनाव है। अभी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से पता नहीं 16 राज्य के कितने लाख लोग बेघर हो जाएंगे, बेदखल हो जाएंगे। हुजूर कह रहे थे कि न्यायाधीश महोदय अभी सरहद पर तनाव है, ऑर्डर रोक लिया जाए। तो ये जो देशभक्ति की लीला जो आप करा रहे हैं, यही है जनेऊ लीला। जनेऊ लीला मुखबिर आप थे, मलाई आप खा रहे हैं। जब हम अपने हर रूप की बात करते हैं तो आपको सरहद में तनाव नजर आता है। भाई जो शहीद हुआ हमारे साथी, वो सब है बड़े लोग के बड़े अफसर नहीं थे, सिपाही और हमारे लड़के साथी लड़के। हमें दुख है लेकिन देश की जनता को आपको बताना पड़ेगा प्रधान जी कि जब इतनी बड़ी एजेंसी है भारत में तो कैसे उस कारवा के बीच एक गाड़ी आरपीएफ से जुड़ा भरा हुआ घुस गया। और वो संसदीय एरिया में एयरलिफ्टिंग क्यों नहीं हुआ जब वहां बाहर आता है कश्मीर में एयरलिफ्टिंग करते ही नहीं करते? तो क्या आपके गांव आपके सारी एजेंसी कुंभ में स्नान कर रही थी क्या? ये देश की जनता को बताना पड़ेगा, इसलिए हमें बड़गड़ाई नहीं। ये आपकी नीति की फेलियर है, आपकी पॉलिसीज की फेलियर है। देश की जनता से माफी मांगिए और इस्तीफा दीजिए। हमारे लोग मरे, आपके तो मिनिस्टर जाते हैं जब फ्यूनरल में तो वो वहां पे जो है दांत दिखाते रहते हैं, हंसते रहते हैं, जूता पहन के बैठे रहते हैं, वो तो हंसते रहते हैं, वीडियो वायरल हो रहा है, तस्वीर वायरल हो रही है। और हमारे लोगों की शहादत पे ये लीला मत कीजिए। दूसरी बात कि जो संसद में देखिए ब्यूटी देखिए, जनेऊ लीला का खेल देखिए कि जो संविधान पर जो आघात हुआ, एक तो हुआ 10% जनेऊ आरक्षण से, और खूबसूरती देखिए कि आरक्षण लाया कौन, बिना कमीशन बिना रिपोर्ट 48 घंटे में या 72 घंटे में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर भी हो गए। लीला यह है दलित राष्ट्रपति है, दलित राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री कथित पिछड़ा है और बिल पेश करने वाला मंत्री गहलोत वो भी दलित है। और उससे जो है गैर संवैधानिक 10% जन्म आरक्षण को पेश कराया, पास कराया, साइन कराया और मेल पकड़वाने वाले ज्यादा बहुजन सांसद ही। तो यही कहते हैं जनेऊ लीला। किताब तुम्हारा पन्ना हमारा, सांसद आपके, राष्ट्रपति बोलेंगे आपके, और काम किसका हो रहा है? जनेऊ, क्योंकि भारत में 3000 साल में पूरा देश निकल गया, हजारों कुंतल मठ मंदिर में सब सोना रखते हुए, लेकिन स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है? एक निर्धन ब्राह्मण, एक निर्धन लेकिन विद्वान ब्राह्मण, एक निर्धन लेकिन विद्वान ब्राह्मण। अरे भाई आज तक 3000 साल में कोई ब्राह्मण धनी हुआ ही नहीं और कोई दूसरा विद्वान हुआ ही नहीं, कोई विद्वान हुआ ही नहीं। और आपके बचपन के सिलेबस का खेल देखिए, समझना पड़ेगा। स्कूल एनसीईआरटी में बैठे हुए जनों सिलेबस बनाने वाले थे लोग, और आपको रखवा दिया जाता है एक प्रतापी बहादुर राजा, दयालु और दानवीर राजा था। दानवीर मतलब क्या? कि आप राजा बनी और दान इधर देते रहिए। तो आपके बच्चों को माथा में कूट कूट करके बाहर पढ़ाया। मैं इसलिए कहता हूं कि ये पूरा और पूरा यदि गरीबी का देखिए क्या जनेऊ स्कूल ऑफ थॉट नागपुर से आया, 8 लाख वाला गरीब और 5 लाख से ऊपर वाला इनकम टैक्स पे करता, 5 एकड़ जमीन 100 यार्ड क्या क्या बहुत सारा कुछ, वो गरीब।
भाई साहब ये बताओ मुझे कि एससी एसटी ओबीसी का जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन था, रोस्टर की राह में मत जाइए, रोस्टर कुछ नहीं है, सामाजिक न्याय की हत्या है सीधा, डेथ ऑफ सोशल जस्टिस। और क्यों है वो मैं सरल बात में सही बताऊंगा कि ये पूरा जो स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें अटैक है। लोगों ने कहा मुझसे पूछा कि आप इसका विरोध करें, मैं पहला व्यक्ति था उसे एनडीटीवी प्राइम टाइम पे चाहते राष्ट्रपति हस्ताक्षर भी नहीं हुए थे, मैंने कहा था कि जनऊ लीला है, इसे देश के पूरे संघीय ढांचा को कॉन्स्टिट्यूशन को बर्बाद करने की साजिश हो रही। मैं क्यों कह रहा हूं, मान लीजिए एससी एसटी ओबीसी का रिजर्वेशन अगर पूरा नहीं है तो उसके जगह कौन काम कर रहा है? बांग्लादेश का आदमी काम कर रहा है, पाकिस्तान का कर रहा है, इंग्लैंड का कर रहा है, बर्मा का कर रहा है, कहां कर रहा है? इसका मतलब है ना कि उस जगह पे जो देश का सवर्ण सवर्ण और खास तौर से ब्राह्मण नाम ले रहा हूं, सवर्ण में भी बरगला रहता है। अभी तक बाबू साहब को किसी को भारत रत्न नहीं मिला है, ठाकुर साहब, बाबू साहब मतलब ठाकुर साहब, 90% से ज्यादा ब्राह्मण को भारत रत्न मिला और भारत रत्न तो कोई रत्न हुआ ही नहीं। ये जो पूरी लीला है उसके जगह एससी एसटी ओबीसी की जगह वो सारे सवर्ण और पर्टिकुलरली ब्राह्मण काम कर रहे हैं। आप हर का उठा लीजिए, सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भाई चांसलर कितने हैं, पूरे देश का अपना नाम कहो, पोजिशन प्रोफेसर कितने हैं, आप दिख जाए। विच मीन्स व्हाट? विच मीन्स अपर कास्ट स्पेशली द ब्राह्मण्स आर ओवर रिप्रेजेंटेड एवरीवेयर, हर जगह ओवर रिप्रेजेंटेड है। इसलिए 10% आरक्षण ये डेस्परेशन में, पॉलिटिकल डेस्परेशन में लाया गया कदम है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, संविधान की आड़ में संविधान की हत्या है। और इसका विरोध उससे पूछा गया कि भाई इसमें एससी एसटी ओबीसी के गरीब लोगों को भी डाल दिया जाता है, वो प्रॉब्लम है क्या? ये डेफिनेटली प्रॉब्लम है, क्योंकि आरक्षण गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम नहीं। अगर आप आरक्षण के नाम पर संविधान के फंडामेंटल से आपने अगर छेड़छाड़ कर दी तो कल इस बात की क्या गारंटी है कल हिंदू राष्ट्र के नाम पर आप संविधान को नहीं बदलेंगे? क्योंकि आरएसएस बार बार कहता रहा है कि हमारे संविधान में आस्था नहीं है, हम अपना संविधान लाएंगे। बार बार बिहार 15 के चुनाव में कहा कि समीक्षा करेंगे। इसलिए हमारे लिए सोशल जस्टिस जितना इंपॉर्टेंट है, सामाजिक न्याय जितना इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट क्या है, सेक्युलरिज्म भी है। जितना सोशल जस्टिस है उतना ही हमारे लिए सेक्युलरिज्म भी इंपॉर्टेंट है। ये नहीं है कि आपको सामाजिक न्याय देके खड़ा कर दिया मुसलमान और गिरा आपका, नो, तब भी हम आपका विरोध करें, ये गलत समझिए। जैसे हमारे एससीएसटी सांसद जनऊ आरक्षण ताली बजा रहे थे, हो सकता है कि जनऊ इस तरह का जनऊ राष्ट्र बनाने के लिए भी ताली बजा दे, लेकिन हमें समाज को तैयार कर रहा है कि कभी भी सांप्रदायिक दंगा हो और आपको भड़काने की कोशिश हो तो आपको नहीं भड़कना है। एससी एसटी ओबीसी के लोग मुसलमान के खिलाफ कोई भी आंदोलन आपको सड़क दे नहीं जाना है, सिर्फ जाना ही ये बात नहीं, नहीं जाना ये बात नहीं, उनकी सुरक्षा में आपको खड़ा रखना है, ये आप समझ लीजिए। जब उनकी सुरक्षा आप करेंगे आपकी भी सुरक्षा कोई करेगा, इसलिए इंपॉर्टेंट मसला है। आप इतना भी आप कहें कि हम हिंदू हैं और क्या है क्या है, कहते रहे शेर में सुनाता हूं, संदर्भ कुछ और है लेकिन समझाऊंगा तो शायद बात समझ में आ जाए। अहले मस्जिद ने काफिर मुझको समझा तो क्या, अहले मस्जिद ने काफिर मुझको समझा तो क्या, शाकिने दैर तो समझे हैं मुसलमान मुझको। अगर मौलाना साहब अगर हम मस्जिद में बैठे हैं हम नास्तिक हैं तो मौलाना साहब काफिर समझ रहे हैं तो क्या हूं, जो बाहर से देख रहा है वो तो मुसलमान ही समझ रहा है मुझे, समझ रहे हैं बात?
आप कितना अपने आप को हिंदू कहते रहे, राम कथा शिव कथा कहते रहे, करवा चौथ ना देखते रहिए चांद जी, करते रहे शिव कथा, करवा पुराण आता चल रहा, बिहार में गया था 2-4 दिन पहले, तो पता लगा कि आप कांवड़ में देखते हैं जितने चेहरे देखे तो लगता है सब नहीं आते सब 90%। हाँ आप कांवड़ होते रहिए, शिव कथा पुराण करते रहिए, लेकिन जो मंदिर में जो बैठे हुए हैं वो तो आपको शुद्री समझ रहे हैं। अखिलेश भाई ने कहा कि मुझे पहली बार मेरा मैसेज दे देना, मैंने कहा था मैं धर्मेंद्र जी को लिखा, क्योंकि पहली बार एहसास हुआ तो शुद्ध है, तो अब राज सिंहासन में बैठ के तो आप समझ रहे थे कि क्षत्रिय है, लेकिन जैसे ही बाहर निकले तो जो ओरिजिनल क्षत्रिय थे जब इन किए तो 7 दिन आपके घर का शुद्धिकरण करवाए। तो अगले भाई फिर बोले कि विष्णु मंदिर बनाना, मैं लखनऊ में ही था, मैंने कहा भाई साहब ऐसा है विष्णु मंदिर जरूर बना लो, लेकिन पुजारी किसी यादव को रखना। मैंने चंद्रभूषण यादव जी का नाम लिया, थोड़ा क्रांतिकारी आदमी है कि दक्षिणा उक्षिणा आएगा तो उस पैसा से कम फूले के लिए हर बाबा साहब की किताब खरीद खरीद के घर घर पहुंचा देंगे, लोहिया साहब की किताब। अब क्या करें, सांस्कृतिक एक वर्चस्व है 2500 साल का, एक दिन में तो जाना नहीं, लेकिन हम लोग का काम रिसर्चर है, एक्टिविस्ट है, पढ़ाते भी हैं, तो रोज रोज आकर आपको याद दिलाना, याद दिलाना। बाबा साहब कहते थे ना कि शिक्षित कौन, शिक्षित वही है जो शत्रु को पहचानता है, तो आपने अपने घर में शत्रु बैठा लिया है और उम्मीद कर रहे कि आपके आरक्षण बच जाएंगे, तो नहीं बच रहा। अब देखते रोज सुबह टीवी खुली तो क्या कहते थे अपने तो कवि पोएट साहब सवाली कि बाबा लोग टीवी पे आते हैं, आपको देखते नाश्ता कौन कौन से चैनल सब, तो बाबा जी जो है बोलते बार बार अंदर देखो, अंदर देखो, बोले अंदर देखो, वहां बंद करके मैंने भी दिखा, कुछ दिखा तो नहीं, तो अंदर देख नहीं, ये अंदर देखो का क्या होगा, ये बाहर मत देखो, रोहित कोमल अंदर देखो, संसार माया है लेकिन अपने जेब में किचकट रख के बैठा है, किचकट खा रहा है, खुद हमें समझा रहा है कि संसार माया है। घर में बुलाते हैं भगवत कथा करा ले, पुराण विशाल भगवती जागरण पूजा वूजा करा के उसका सब कुछ करके काम में धीरे से बोलेंगे, ये वोट तो खाए भी मोदी जी के मेरा अच्छा आदमी पुजारी लोग काम करता है, उस पर कैंपेन महिलाएं लोग जो भक्ति में रहती है ज्यादा, मोदी साहब देशभक्ति है वही बोलता है ज्यादा, तो उनके पुजारी भी जो है अभी जैसे वो बता रहा हूं कि वो जो है पुजारी नहीं है, वो पॉलिटिकल एजेंट है, वो पोलिंग बूथ एजेंट है जो आपके पास पहुंच के आपको पड़ करा रहा है, और आपका ब्रेन कैसे टेस्ट करता है, इंजीनियर डॉक्टर का जो इंजीनियर डॉक्टर बन के लाते हैं पूरा आईएएस बन के लाता है, लड़कों को कार फैक्ट्री में जाते हैं हनुमान जी के लगवाने को ये कलरबंदी, तो टेस्ट कैसे करता है, जब मकान आप खरीदते हैं तो क्या करते हैं, जब घर में जाते हैं नए मकान पे क्या करते हैं, प्रवेश करते थे किसको बोला, पंडित जी, तो पंडित जी करता है क्या, गोबर का गणेश बनाता है, गौरी गणेश और उसे पूजा करवाता है, आप IIT से पढ़ के खड़गपुर से और अमेरिका से मैनेजमेंट करके आए हैं और आपसे पूछवाता है क्या वो क्या, तो वो बोलता है कि चलमान इसमें 1 रुपया भी रख दीजिए, तो 1 रुपया जो रखवाता है आपसे वो विश्व का सबसे
बड़ा था मामी ज्यादा वो चेक कर लेता है कि भले ही हार्वर्ड से पढ़ गया लेकिन इसके माथे में गोबर ही भरा हुआ है। खाली यूनिवर्सिटी के लिए नहीं आया, रेलवे में भी आ गया, हर जगह लागू होगा।
अभी रेफरेंस कहां से आएगा समझ? पांच मिनट और लूंगा, पांच मिनट। ये रेफरेंस आ रहा है जिस केस का आपने जिक्र किया, कौन सा नहीं, इंदिरा सानी सबरवाल। अब सबरवाल केस का तो ऑर्डर भी लोग नहीं पढ़ता है ठीक से, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। आज मैं तैयारी करके नहीं आया, मैं तो ऑर्डर भी कॉपी में रखे रहता हूं मोबाइल में होगा। उस केस में, उस केस वो पॉइंट है जहां से कहा कि वैकेंसी बेस्ड अपॉइंटमेंट नहीं होंगे, पोस्ट बेस्ड अपॉइंटमेंट होंगे। पोस्ट बेस्ड अपॉइंटमेंट का मतलब क्या कि सब पोस्ट जो है इयरमार्क होगा, चिन्हित होगा, चौथा पोस्ट इसका, आठवां पोस्ट इसका। टेक्निकल में मत जाइए, टेक्निकल बाद में समझ लेंगे। वैकेंसी बेस्ड क्या था कि वैकेंसी बेस्ड था कि 200 अगर वैकेंसी आ रहा है तो 49% 99 रिजर्व फॉर एससी एसटी ओबीसी एंड 101 इज ओपन, ओपन फॉर एवरीवन, अनरिजर्व नहीं, ओपन फॉर एवरीवन। लेकिन क्या किया इन्होंने, एक पर एक को जनरल रिजर्वेशन दे दिया। वो अनइम्प्लीकेटेड सुप्रीम कोर्ट के जज को या फिर लॉ मेकर्स को मेट्रो में बैठना चाहिए, उसको रिजर्वेशन का मतलब समझ में आया, मेट्रो में घूमना चाहिए कि एक बॉगी महिला के लिए रिजर्व है, तो इसका मतलब थोड़ी है कि दूसरी बॉगी में महिला नहीं जा सकती। इसका मतलब नहीं है कि दूसरी बॉगी में दो सीट रिजर्व नहीं हो, तो रिजर्वेशन तो मिनिमम है। लेकिन कोई उसी केस में ऑर्डर है ये कि जो जनरल में आएगा उसको जनरल में कंसीडर करना है। लेकिन बाबू लोग ने जो लीला किया वो लीला नहीं किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसी अर्थ में कहा, मुझे करेक्ट कर रहे हो कि साहब मैं गलत होगा, कि वैकेंसी बेस्ड रोस्टर तब तक चल सकता है जब तक कि एससी एसटी ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन पूरा ना हो जाए, एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन। अब टेक्निकल वोकिंग में छोटा मोटी समझता हूं, एडुकेट रिप्रेजेंटेशन क्या 49.5 ये हुआ। तो हुजूर प्रधान जी और हमारे मेज खतबारो सांसद और दलित राष्ट्रपति और बिल पेश करने वाला जनऊ आरक्षण बिल पेश करने वाला गौरव मंत्री, वही उस देश की बहुत जनता को बताओ कि भारत की जितनी संस्थाएं हैं सार्वजनिक उसमें पर्याप्त प्रतिनिधि आया क्या, एडुकेट रिप्रेजेंटेशन आया क्या, नहीं आया। जब वो आया नहीं तो तुमने जनरल आरक्षण कैसे लेके आया? इसके लिए हमारे लीडर्स, देखिए मुझे भाई टिकट पर नहीं चाहिए किसी से, अच्छा चाहिए भी होगा तो मैं भीख मांग रहे हूं और रिकॉर्ड कह रहा हूं, संसद में इतने लड़ के जाएंगे ना, नहीं जाना सबका जरूरी क्यों है, सड़क पर लड़ते रहेंगे, सड़क को सुनसान नहीं होने देंगे। कि सड़क पर लड़ेंगे ना, कि इस देश के एसटी ओबीसी सांसद और जितने भी कांग्रेस का जो मेंबर पार्लियामेंट जिन्होंने सपोर्ट किया, वो दो बातें बताएं कि पहले जब आपके रिजीम में जब 10% चलो हुआ आरक्षण आया था तो आपने क्यों लॉकडाउन किया, नंबर दो कि एडवोकेट रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं पूरा हुआ, इस पे आपने क्यों संसद चल लेती है। यही कहते हैं बार बार में कहना जनेऊ लीला। सबरवाल केस में ही था कि जो ओपन में कंप्लीट करेंगे उसको ओपन में माना था। अब बाबू लोग क्या किया कि बाबू लोग ने कहा कि कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का एक पोर्शन गैप और कहा सिर्फ लिख दिया ऑर्डर में, ऑफिस ऑर्डर में, ऑफिस मेमोरेंडम में कि अब जो है अपॉइंटमेंट पोस्ट बेस्ड अपॉइंटमेंट होंगे और वैकेंसी बेस वाला गायब कर दिया। ठीक है डीओपी जी, ये जितने बाबू लोग बैठे हुए हैं ये बाबू लोग आईएएस लोग, आईएएस लोग भी उनकी लीला है और जज की लीला है। और इसमें विडंबना यह है कि हमारे सांसद तो बता नहीं सर को कितना मोहब्बत है जनऊ पार्टी से,
तो ये आपको जो आरक्षण का सत्यानाश कर दिया, इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि हम लोग इस सरकार से लड़ रहे हैं, मतलब जितना औकात है चवन्नी भाई, चार साल से लगातार सड़क पर यहां चवन्नी पढ़ के बोल के सबूत मेरे साथ है, कई साथी हैं, इनको तो हराएंगे या नहीं? ये फ्रेंड कर ली थी क्योंकि इनकी आस्था इनका पूरा गवर्नेंस मनुस्मृति से आ रहा, संविधान से नहीं आ रहा, इनको संविधान का हमला किया। लेकिन अगली सरकार जो आएगी जिसको आप नेता चुनेंगे, उनके पास पर्सनल काम के लिए मत जाना कि मुझे ट्रांसफर करा दो, कोचिंग करा दो, ठेका दिलवा दो, बच्चे का एडमिशन करा दो। उनसे सारा सवाल पूछना कि हमारा सोशल जस्टिस क्यों नहीं इंश्योर हो रहा है, क्योंकि जब सोशल जस्टिस इंश्योर हो जाएगा तो आप सब सुरक्षित रहेंगे। अपने यही तो कहना इंडिविजुअल कहेंगे मुझे सेक्रेटरी बना दो, मैं बन के करेगा क्या, ये तो बता, मुझे मंत्री बना दो तो करेगा क्या मंत्री बनकर। ये सवाल सड़क पर जिंदा रखना है आने वाले सरकार ने भी, ये समझिए भाई। न्याय का सिद्धांत क्या है? न्याय का सिद्धांत है कि जो भूखा है उसको पहले खाना। तो भूखा कौन है सबसे ज्यादा? नहीं, भोजन खाली मत बोली, उसमें भी आई सिपाही की आदिवासी सबसे ज्यादा पिछड़ी पायदान पे है, आप समझिए। तो अगर आपको रोस्टर भी बनाना है तो पहले आदिवासी को देते, पहले देते आप आदिवासी, दूसरा दलित, तीसरा ओबीसी, आप तब ओपन रखते। लेकिन 13 पॉइंट रोस्टर में क्या है, 14वां नंबर पोस्ट जो है वो एसटी का है, जनाब का खेल देखिए, 10वां नंबर पोस्ट है वो जनरल आरक्षण है, एसटी का जी जो संवैधानिक आरक्षण है वो 14वें नंबर पे। तो यूनिवर्सिटी में किसी डिपार्टमेंट में 14 पोस्ट ज्यादा है? खेल एक पोस्ट दो पोस्ट ज्यादा है, मान लिया चौथा भी आ गया तो जो रोस्टर बनाता है बोले चौथे पे जो रिटायर किए तो मिश्रा जी थे, तो मिश्रा जी तो पोस्ट रिजर्व कैसे हो, मिश्रा जी का उमर में। तो एसटी का नंबर आएगा 500 साल बाद, 7वां नंबर एससी का है तो 250 साल मान लीजिए, और ओबीसी का 100 साल मान। तो अगर आप लोग इंतजार करने के लिए तैयार हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं। अगर आप चाहते हैं, सुरित ने समझाया अच्छे से कि यूनिवर्सिटी में क्यों होगा, हमको समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि 1000 डॉक्टर बच्चे को बना लीजिए उससे ज्यादा काम नहीं है, काम तो जाकर उसी का करेगा, तो आपका काम नहीं करेगा, गारंटी दे रहा हूं। आपका करेगा 5%, उसका करेगा 95%। लेकिन एक अगर ढंग का प्रोफेसर अगर निकल जाए तो इस देश में सैलाब ला सकता है। इसीलिए विश्वविद्यालय जब हम लेने से बोली कूंगा वो घटना नहीं संकेत है कि आपको यूनिवर्सिटी में नो एंट्री है। और हमारे जैसे लोग आ गए, आइए हमारे कॉलेज, देश के बड़े कॉलेज में पढ़ाता हूं, हिंदू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय। अब ये खानदानी समझता था कि एजुकेशन नहीं लोग कैसे आएगा, गलत कर मिलकर चला गया कोई बात नहीं, जाने तो आके पाउंड होता है। अब मैं तो वहां पर 4 साल से भी नहीं करता, उसमें भी कंटेंट फेस किया हुआ है, प्रिंसिपल से नहीं करता, उसके अपॉइंटमेंट कॉस्ट करा दिया हाईकोर्ट से, चेयरमैन से नहीं करता, क्योंकि हम फ्री है, क्लास लेने के बाद हम किसी के प्रोटोकॉल में नहीं है, न भाई 4 साल के ना पढ़ा लोग मेरी मर्जी होगी तो नमस्ते करेंगे। तो साथ रूम में बैठता हूं तो टांग टांग रख के बैठता हूं स्टाइल में, तो मैं जानता हूं मुझे सिकू के बैठो मैं बता बड़ा खुश हो जाए, तो थोड़ा फैली के बैठो, भले थोड़ा सा कमी खाओ, सूखी रोटी खाओ, लेकिन बाहर निकला तो थोड़ा सा हाथ में घी जरूर लगा लेना, घी का पराठा खाए। तो जो अगर हाथ सूखेगा तो है घी का क्या, उसको टेंशन होता है वो। आपके शर्ट कितने सफेद होंगे, चेहरे पर चमक, पार्लर खा लीजिएगा आपसे हम पार्लर खाना चेहरे पर चमक जितने ज्यादा बढ़ेंगे उसको टेंशन होता है। ये मनुष्य मृत्यु में लिखा हुआ है कि वो खाना फेंक के देना चाहिए,
इनके ऑर्नामेंट्स होने चाहिए लोहे के ऑर्नामेंट, इनके वस्त्र जो है जो मरे हुए लोगों के वस्त्र फेंके हुए होते हैं वो वस्त्र होने चाहिए। तो इनके माथा में जनऊ लपेटा हो तो सोचता ही नहीं है कि कैसे इतना बढ़िया कर। इसमें ब्रांडेड जो सक्षम लोग है ब्रांडेड स्टाइल फाइव स्टार, थोड़ा सा बचा के हमारे जैसे लोगों को भी दे दिया कि जाए कल क्या करना
जितना है ना बेटा हमारा साहेब बन जाएगा, साहेब साहेब नहीं बाबा साहेब बनाओ, साहेब नहीं बाबा साहेब बनाओ। ये इसलिए हम भी प्रोफेसर हैं, बंगला मिला हुआ है, लग्जरी में रहते हैं, क्या है कि एक तीन साल से भटक रहे हैं, भटक रहे। बिकॉज एक शिक्षक होने के नाते मैं यही पे बैक कर सकता हूँ, जो पढ़ता हूँ जो समझता हूँ वो आपसे साझा कर रहे हैं। इंसान को लगता है मैंने ज्यादा बोल लिया, चलते चलते जो है एक दुष्यंत की एक लाइन तो पढ़ी थी कि अभी जो हमारा समाज है जिस मुकाम से गुजर रहा है और जो हमने देखा है उसको एक्चुअल प्रैक्टिसर भी है, वो तो इंटरेक्शन में भी रहते हैं। ये पंक्तियां जरा गौर फरमाइएगा। इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही, नाव जर्जर ही सही, लहरों से टकराती तो है, नाव जर्जर ही सही। भले हम कमजोर है लेकिन डर तो नहीं रहे आपसे शायद, हुजूर डर नहीं रहे। नाव जर्जर ही सही, लहरों से टकराती तो है, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाकी तो है, कसम बाकी बची है, एक दिए लाओ लड़ाओ दोस्तों, आंदोलन जारी रहना चाहिए। शुक्रिया साहब, जय हिंद।